हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के इंपॉर्टेंट नोट्स। हम अपने वीडियो में अब तक ऑलरेडी हमने चैप्टर 6 तक कवर कर लिया है, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप अपने जो भी आपके सिलेबस में एग्जाम में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो को देख सकते हो, हमारी लिस्ट बनी हुई है। तो आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर जो आपका 7 है बिजनेस फाइनेंस। तो सबसे पहले जानते हैं बिजनेस फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स को, उसके बाद इसके बारे में जो फर्दर टॉपिक्स हैं, किस किस तरीके से फाइनेंस को इकट्ठा किया जाता है, किस तरीके से क्या नीड है इसकी, क्या है क्या नहीं, सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बिजनेस स्टडी काफ़ी ईजी सब्जेक्ट होता है, अगर आप एक बार सुन लोगे ना पूरे टॉपिक को, आप बहुत टाइम तक आपको याद रहेगा और एग्जाम में आप बहुत ही अच्छे स्कोर कर पाओगे। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंस का। फाइनेंस का सिंपली मतलब है मनी या फिर फंड, पैसे जो भी बिजनेस में लगाने होते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फंड्स बाय बिजनेस टू कैरी आउट इट्स वेरियस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। जो रिक्वायरमेंट होती है किसी बिजनेस को फंड की, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे वेरियस एक्टिविटीज़ होते हैं, उनको चलाने के लिए हमें हर टाइम पे फंड की ज़रूरत होती है। एवरी स्टेजेस पे जो भी बिजनेस की लाइफ होती है, हर स्टेज पे फाइनेंस चाहिए होता है। चाहे वो बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी हमें पैसे चाहिए, बाद में मशीनरी के लिए, अगर आपने एम्प्लॉय रखा है उसके लिए, रॉ मटेरियल, हर चीज़ के लिए उन्हें क्या होता है, फंड की ज़रूरत होती है। कोई भी बिजनेस बिना फंड के फंक्शन नहीं कर सकता है। अब नेक्स्ट जो आपका हेडिंग है नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस, कि बिजनेस फाइनेंस की क्या जरूरत होती है। बिजनेस स्टडीज़ में जब भी आप एग्जाम लिखते हो ना, तो जितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन है उतने ही पॉइंट्स से आप आंसर दोगे, तो आपके बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेंगे और एग्जामिनर काफ़ी इंप्रेस भी हो जाएगा आपसे। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस फाइनेंस की क्या जरूरत है। तो पहला पॉइंट है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ बिजनेस फंड्स आर नीडेड टू परचेज फिक्स्ड एसेट। तो क्योंकि हम बिजनेस को शुरू करते हैं तो उस टाइम में बहुत सारे अमाउंट हमें खर्च करने पड़ते हैं फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए, जैसे जमीन, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, इन सब में काफ़ी पैसा लगता है। तो फंड्स रिक्वायर्ड इन अ फिक्स्ड एसेट रिमेन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पर क्या, फिक्स्ड असेट्स हम लगा देते हैं ताकि बिजनेस में हम लंबे टाइम तक उसको यूज़ कर सकें, बट इतना फंड किसी एक सिंगल पर्सन के पास तो नहीं हो सकता ना, जिसकी वजह से हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड पॉइंट है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अ बिजनेस नीड्स फंड्स फॉर डे टू डे ऑपरेशन। डे टू डे ऑपरेशन में भी बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है, दिस इज़ नोन एज द वर्किंग कैपिटल। तो जो भी बिजनेस को डे टू डे ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। वर्किंग कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए, सैलरीज को पे करने के लिए, सैलरी, वेजेस, रेंट, टैक्सेस, इन सबको पे करने के लिए जो मनी की ज़रूरत होती है, जो फंड की ज़रूरत होती है, वो आपका वर्किंग कैपिटल होता है और उसके लिए भी हमें फाइनेंस की ज़रूरत है। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन। अ कंपनी नीड्स मोर फंड्स टू डाइवर्सिफाई इट्स ऑपरेशन टू बिकम ए मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। अब एक कंपनी है, आप सिंगल प्रोडक्ट शुरू कर रही है तो उसका ऐसा होगा ना कि एक स्टेज पे जाके उसका बिजनेस शायद डाउन लेवल पे चले, तो इस वजह से उसे क्या करना पड़ता है, अपने ऑपरेशन को डाइवर्सिफाई करना पड़ता है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाना वो शुरू करते हैं। कोई भी कंपनी शुरू में जैसे वो सोप लेकर आती है, बाद में फेस वॉश भी ले आ रही है, वे धीरे धीरे वो अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, बढ़ाना शुरू करते हैं, तो उसके लिए भी फंड की आवश्यकता है। फोर्थ पॉइंट है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में है फाइनेंस इज नीडेड टू अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी कोई भी आई है तो उसको खरीदने के लिए, लाइक आप कंप्यूटर बिजनेस में यूज़ कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि एक कंप्यूटर से आपका काम चलेगा पूरा, इतना बड़ा बिजनेस आपको बहुत सारे कंप्यूटर खरीदने, उसके लिए क्या होगा, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। फिफ्थ पॉइंट है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। हायर ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज रिक्वायर्स हायर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। अगर आपको बिजनेस को हाई ग्रोथ करवाना है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा, और जिसके लिए आपको फर्दर फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। आगे चलते हैं मेथड्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस। और फाइनेंस को आप किस तरीके से बढ़ा सकते हो, उसके बहुत सारे मेथड है, क्या आप इशू को शेयर कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, इशू ऑफ शेयर। द कैपिटल ऑब्टेन्ड बाय द इशू ऑफ शेयर इज नोन एज द शेयर कैपिटल। जितना भी कैपिटल आप कहाँ से लेते हो शेयर को इशूज करके, शेयर मार्केट का नाम तो अब तक आपने सुन ही लिया होगा। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इंटू, जो भी कंपनी की टोटल कैपिटल है उनको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, शेयर। अगर एक कंपनी क्या करती है 10,000 शेयर को इशू करती है और हर शेयर के का जो प्राइस है वो कितना है, 10 रुपीज़ है, तो पूरा का पूरा जो शेयर कैपिटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीज़। और ये जो 10-10 रुपये के ये जो शेयर है वो अलग अलग पर्सन के पास हो सकते हैं, क्या पता किसी ने ज़्यादा खरीद रखा हो किसी ने, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और फर्दर उनको वो सारे के पढ़ेंगे कि इशू जो शेयर का क्या फ़ायदा क्या नहीं, और जो शेयर्स भी होते हैं वो आपके दो तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें पढ़ेंगे। एक पर्सन जो कि शेयर को होल्ड करता है, अपने पास रखता है, उस बंदे को हम क्या कहते हैं, शेयर होल्डर। और उसके अकॉर्डिंग दो टाइप्स के यहाँ पे शेयर हम करेंगे डिस्कस, एक तो इक्विटी शेयर है, दूसरा प्रेफरेंस शेयर है।
तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इक्विटी शेयर्स के बारे में। इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ ए कंपनी। इक्विटी शेयर्स क्या दिखाता है कि वो कंपनी का ओनरशिप है, मतलब जो भी इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ओनर की तरह ट्रीट किया जाते हैं, क्योंकि उनके पास राइट टू वोट एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का भी उनका हक होता है और वोट भी वो दे सकते हैं। इक्विटी शेयर से ही कहते हैं कि हाँ ये कंपनी जो है क्या है, प्राइवेट है या फिर पब्लिक है। मान लो कोई शेयर है इक्विटी शेयर के बारे में, तो 100% के पास शेयर है, 50% से ज़्यादा अगर गवर्नमेंट के पास है तब तो वो गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन जैसे ही वो 50% से ज़्यादा अगर किसी पब्लिक ने खरीद रखा है, प्राइवेट लोगों ने खरीद रखा है, तो वैसे ही वो कंपनी क्या हो जाती है, प्राइवेट हो जाती है। तो इक्विटी शेयर जो है मेन शेयर, मतलब मेन ओनर होते हैं किसी भी कंपनी के। बात करें एडवांटेजेस के बारे में कि एडवांटेजेस क्या है इक्विटी शेयर से, अगर आप फंड कोई लेते हो उसमें क्या परमानेंट कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर ए लॉन्ग टर्म। इक्विटी शेयर में अगर आपने पैसे ले लिया, वो आपका लॉन्ग टर्म चलेगा, जब तक बिजनेस खत्म नहीं हो जाता ना तब तक वो पैसा आपके पास बना रहेगा। जबकि वही बात करें लोन लो डिवेंचर्स वगैरह इशू करोगे, तो एक तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा हर साल, और फिर कुछ टाइम लिमिट के बाद आपको पूरा पैसा रिटर्न भी करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें क्या है, नो चार्ज ऑन असेट्स, इस पर कोई चार्ज नहीं लगता। जैसे मैंने बताया कि डिवेंचर्स लेते हो, इशू करते हो, तो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, बट इसमें ना कुछ मॉर्गेज की ज़रूरत पड़ती है, ना ही किसी मतलब कि जो भी इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं हायर रिटर्न। इक्विटी शेयर होल्डर गेट हायर रिटर्न्स इन द ईयर्स ऑफ हाई प्रॉफिट। अगर हाई प्रॉफिट होता है तो इक्विटी शेयर्स वालों को काफ़ी ज़्यादा हाई रिटर्न मिलता है। कंट्रोल, दे हैव राइट टू वोट एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, उनके पास पूरा कंट्रोल होता है। उसके बाद नो बर्डन ऑन कंपनी, सबसे बड़ी बात कि कंपनी जो पे कोई ज़्यादा बर्डन नहीं होता। पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड इज नॉट कंपलसरी, डिविडेंड को हर साल हम डिस्ट्रीब्यूट करिए ये कंपलसरी नहीं है। अगर हमारे पास ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो हम कम भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका जो इक्विटी शेयर के अंदर कौन कौन से लिमिटेशंस है, कौन कौन से डीमेरिट्स है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो इक्विटी शेयर होल्डर के पास काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि पेमेंट जो है इक्विटी डिविडेंड की कंपलसरी नहीं है, और इवन अगर कंपनी डूब जाती है तो ऐसे में इक्विटी शेयर्स को कुछ भी नहीं मिलता है। सेकेंड में हायर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स इज ग्रेटर दैन दी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर से जो कॉस्ट होती है इक्विटी शेयर्स की हमेशा कैसी होती है, ज़्यादा होती है। इशू जो करना होता है इक्विटी शेयर्स को काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इस वजह से आपको अगर जिस टाइम पे चाहिए होगा कैपिटल तो उस टाइम पे आप डायरेक्टली आपको नहीं मिल पाएगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस होता है, तो इस वजह से डिले होने के चांसेज हैं। इशू डिपेंड्स ऑन शेयर मार्केट कंडीशन। इक्विटी शेयर होल्डर आर द प्राइमरी रिस्क बियरर, देयरफॉर द डिमांड ऑफ इक्विटी शेयर इज मोर इन द बूम टाइम। वो डिपेंड करता है कि मार्केट में कैसी कंडीशन चल रही है, क्या वो बूम चल रहा है या फिर इस टाइप का भी टाइम आता है कि जिस टाइम पे क्या होता है कि बिल्कुल कुछ भी मार्केट में नहीं होता, तो उस टाइम पे अगर आपको शेयर इशू करोगे तो पब्लिक नहीं खरीदेगी ऑफकोर्स। तो आगे चलते हैं सेकेंड पॉइंट में, प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात करते हैं। प्रेफरेंस शेयर आर कंसिडर्ड सेफर इन इन्वेस्टमेंट। प्रेफरेंस शेयर को क्या कहा जाता है, सेफर इन्वेस्टमेंट का के रूप में जानते हैं। अगर इक्विटी शेयर के कंपेयर में तुलना करें तो ये काफ़ी ज़्यादा सेफ होते हैं। दे रिसीव डिविडेंड एट फिक्स रेट, क्योंकि इनका डिविडेंड जो है फिक्स रेट पे ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर लाइक क्रेडिटर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैसे होते हैं, लाइक क्रेडिटर्स की तरह होते हैं, जिनको पेमेंट करना होता है, तो इस वजह से इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होती, क्योंकि ऑफकोर्स भैया ज़्यादा रिस्क ज़्यादा फायदा, और क्योंकि वो रिस्क ले रहे हैं, मेन ओनरशिप है उनके पास, तो इस वजह से उनके पास वोटिंग राइट भी है, बट इनके पास वोटिंग राइट नहीं है, हालांकि ये भी शेयर होल्डर है। मेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर की इन्वेस्टमेंट काफ़ी सेफ है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट मतलब प्रेफरेंस जो भी बंदा शेयर होल्डर है तो उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी ज़्यादा सेफ है, क्योंकि उसके पास क्या है प्रेफरेंशियल राइट होता है किसी भी डिविडेंड को, कैपिटल को क्लेम करने का। इवन कंपनी बंद भी होती है तो सबसे पहले जो कैपिटल है वो तो जो है, जैसे दोनों शेयर होल्डर हैं तो सबसे पहले जो है ना प्रेफरेंस शेयर वाले को दिया जाएगा डिविडेंड भी, कैपिटल भी। अगर कुछ बचेगा तब इक्विटी वाले को मिलेगा, नहीं बचेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। सेकेंड में क्या है, नो चार्ज ऑन असेट्स। इसमें क्या है, द कंपनी डज नॉट नीड टू मोर्टगेज इट्स असेट्स वगैरह को नहीं देना पड़ता है प्रेफरेंस शेयर के लिए, जबकि लोन वगैरह में ऐसा कई बार होता है कि मॉर्टगेज वगैरह भी आपको देने पड़ सकते हैं। हालांकि इसमें जो डिविडेंड है वो फिक्स है कि आपको इतना परसेंट देना पड़ेगा। नेक्स्ट है कंट्रोल, इट डज नॉट इफेक्ट द कंट्रोल, क्योंकि अब देखो इसमें क्या है ना कि मेन जो कंपनी की मैनेजमेंट है उसके लिए फ़ायदा ये है कि इक्विटी शेयर होल्डर की तरह इनके पास वोटिंग राइट नहीं है, तो इस वजह से आपकी मैनेजमेंट में कुछ भी दखलंदाजी नहीं करने आएंगे। फिक्स डिविडेंड होता है तो ये शेयर होल्डर की तरफ से काफ़ी यूजफुल है, इन्वेस्टर की तरफ से, कि वो चाहते हैं कि हाँ हम भी शेयर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर की खरीदें ताकि उनको जो है एक डिविडेंड मिलता रहे। नेक्स्ट है लिमिटेशन को लेकर कि लिमिटेशंस क्या क्या है इसमें। कॉस्टली सोर्सेज ऑफ फंड, ये भी आपका रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो आपका
ग्रेटर दैन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर से ज़्यादा ये हमेशा लेते हैं जो डिविडेंड होता है फॉर अ कंपनी, इट इज कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड्स दैन डिवेंचर, तो कंपनी के लिए क्या है कॉस्टली है, टैक्स सेविंग नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम द प्रॉफिट फ्रॉम द इनकम टैक्स। और जबकि वही बात करें डिवेंचर में जो हम इंटरेस्ट करते हैं उससे हमारा टैक्स सेव होता है, बट इससे हमारा कोई भी टैक्स सेव नहीं होता है। रिस्क टेकर के लिए सुटेबल नहीं है जिसके अंदर पूरी एबिलिटी कि भैया हम तो रिस्क ले सकते हैं, तो वो प्रेफरेंस शेयर में नहीं इन्वेस्ट करना पसंद करेगा, क्योंकि इक्विटी शेयर्स की बात ही अलग है, उसमें जब प्राइस बढ़ते हैं ना बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, इंसान एक दिन में करोड़पति भी बन सकता है लेकिन उसमें रोड़पति भी बन सकता है। पर ये है कि जो रिस्क टेकर हैं वो ये नहीं लेंगे, जो कम रिस्क जो रिस्क नहीं चाहते वो प्रेफरेंस शेयर को खरीद सकते हैं। एज डिविडेंड ऑन दी शेयर इज टू बी पेड ओनली वेन कंपनी अर्न्स प्रॉफिट, और इसमें भी आपका एक कंडीशन है कि जो आपका डिविडेंड है ना उस प्रेफरेंस शेयर वालों को तभी मिलेगा जब कंपनी का प्रॉफिट होता है, अगर कंपनी का लॉस हो रहा है तो उस टाइम पे आपको कोई प्रॉफिट मतलब डिविडेंड नहीं मिलने वाला। जबकि डिवेंचर होल्डर के बारे में पढ़ेंगे तो डिवेंचर होल्डर में तो ये है भैया प्रॉफिट हो ना हो जो भी है उसे कोई मतलब नहीं है, उनका जो भी इंटरेस्ट रेट फिक्स रहेगा उन्हें देना ही पड़ेगा। एग्जाम में आपसे डिफरेंस भी पूछ सकते हैं कि आपका डिफरेंस बताइए इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर के बारे में, तो जो आपका ना ब्यूटीफुली तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ है, सबसे पहले आप बेस दिखाओगे फिर इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर जो उस बीच में भी आपका डिफरेंस है। डिविडेंड के बारे में बात करें तो इक्विटी शेयर्स वालों को तब दिया जाता है जब प्रेफरेंस शेयर वाले को दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर में प्रायोरिटी रहती है, वोटिंग राइट जो है आपका इक्विटी में फुल वोटिंग राइट है, इसमें कोई भी वोटिंग राइट प्रेफरेंस वालों को नहीं मिलेगा। रिस्क में बात करें इक्विटी शेयर्स वालों का ज़्यादा रिस्क है, इसमें कम रिस्क है। रेट ऑफ रिटर्न जो है इसमें फ्लैक्चुएट्स कर सकता है प्रॉफिट, कभी ज़्यादा कभी कम, इसमें आपका फिक्स रेट ऑलरेडी होता है, जो प्रॉफिट होगा तो पर्टिकुलर आपको इतना मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। इसमें जो है मैनेजमेंट पे पूरा पूरा कंट्रोल है, इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो काफ़ी सिंपल है आपका, जो भी हम पढ़ के आए वही सारे पॉइंट्स यहाँ पर फर्दर हमने दिखाए हैं। बात करें डिवेंचर्स के बारे में, डिवेंचर्स भी एक क्या होते हैं, एक इंपॉर्टेंट डेट सोर्स ऑफ फाइनेंस है फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस, डिवेंचर होल्डर गेट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट इज पेड एवरी सिक्स मंथ और वन ईयर, छः महीने या फिर एक साल जैसे भी आपके टर्म्स एंड कंडीशन होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, और ये भी कंपनी के क्रेडिटर्स की तरह होते हैं। मेरिट्स के बारे में बात करें, इन्वेस्टमेंट काफ़ी सेफ होता है, तो जो भी डिवेंचर होल्डर होता है तो उसके लिए काफ़ी सही है। डिवेंचर्स आर प्रेफर्ड बाई दोज इन्वेस्टर जो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो हमेशा किसमें इन्वेस्ट करेंगे, ऑफ कोर्स वो डिवेंचर में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। कंट्रोल के बारे में बात करें, डिवेंचर होल्डर का कोई वोटिंग राइट नहीं है, इसलिए मैनेजमेंट में कोई भी उनका कंट्रोल नहीं है। कॉस्टली काफ़ी कम होता है, क्यों, क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड से हमेशा कम ही इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। टैक्स सेविंग है, और जो कि मैंने पहले बताया था कि डिवेंचर पे जो हम टैक्स जो पे करते हैं इंटरेस्ट, उससे टैक्स डिडक्टेबल हो जाता है, तो इसलिए आपका एक टैक्स सेविंग की तरह भी काम कर रहा है। तो जैसे हर चीज़ की हमने लिमिटेशन पढ़ी है, तो इसकी भी लिमिटेशंस को हम देखेंगे। लिमिटेशन क्या है डिवेंचर्स के, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है, देर इज़ अ ग्रेटर रिस्क व्हेन देर इज़ अ नो अर्निंग बिकॉज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हैज़ टू पेड इफ द कंपनी सफर लॉसेस, यहाँ पर रिस्क ये है सबसे बड़ी बात। फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है भैया आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे आप कंपनी प्रॉफिट में जाए लॉस में जाए, तो आपकी जो ऑब्लिगेशन है फिक्स्ड बनी हुई रहेगी। चार्ज ऑन एसेट, द कंपनी हैज़ टू मॉर्टगेज इट्स एसेट्स थ्रू इशू सिक्योर डिवेंचर, सिक्योर डिवेंचर अगर इशू करते हैं तो कंपनी को क्या करने पड़ते हैं, अपने एसेट्स को मॉर्टगेज करना पड़ता है कि हाँ अगर हम पेमेंट ना कर पाए ना तो हमारा ये ले जाना। थर्ड पॉइंट क्या है, रिडक्शन इन क्रेडिबिलिटी, विद द न्यू इशू ऑफ डिवेंचर द कंपनी कैपेबिलिटी ऑफ द फर्दर बोरो फंड्स रिड्यूसेस, जब वो डिवेंचर को इशू करती है ना तो कंपनी की कैपेबिलिटी क्या होती है, हमेशा रिड्यूस जाती है, और जिस वजह से उस कंपनी पर गलत असर भी पड़ता है, और उनके जो शेयर होल्डर जो इक्विटी शेयर्स के वैल्यूज़ वगैरह वो घट जाते हैं इस वजह से। बात करें इसके डिफरेंस के बारे में, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स, शेयर्स और डिवेंचर्स में क्या फ़र्क है, तो नेचर के बारे में बात करें तो शेयर्स आपके कैपिटल है जबकि डिवेंचर आपका लोन है, इसमें रिटर्न डिविडेंड मिलता है जबकि इसमें रिटर्न के रूप में इंटरेस्ट मिलता है, वोटिंग राइट इसमें है इसमें बिल्कुल भी नहीं है। होल्डर के बारे में बात करें तो इसमें जो ओनर है उस जो शेयर होल्डर है उसको ओनर कहते हैं, इसको हम क्रेडिटर कहते हैं। सिक्योरिटी के बारे में बात करें, कोई भी यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं दिया जाता जबकि इसमें जो है सिक्योरिटी एसेट्स वगैरह पे जो है देना पड़ता है। तो ये तो हमने कर लिया, बाकी और जितने भी तरीके से फाइनेंस को इकट्ठा कर सकते हैं जिसमें नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।